बात अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। मेवात के नगीना खंड के गंडूरी गांव के कुछ दर्जन मर्द दबंग लोगों ने गांव के ही एक अब्बास नामक शख्स को गंडूरी गांव के समीप दिल्ली अलवर हाईवे पर दिन दहाड़े बुरी तरह से पीटा। और इतना ही नहीं दोस्तों, दबंग लोगों ने अब्बास नामक शख्स के दोनों पैर तक तोड़ डाले। इस मामले में पुलिस ने दर्जन भर लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी मुलजिम को अरेस्ट नहीं किया है, जिसे लेकर पीड़ित परिवार निराश है और दबंग लोगों के हौसले बुलंद हैं। मेवात पुलिस से मेवात आज तक की गुजारिश है कि जल्द से जल्द वह दोषियों को गिरफ्तार करे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। आइए आपको मिलाते हैं पीड़ित परिवार से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। मेवात आज तक की टीम आई है नगीना खंड के गंडूरी गांव में। गंडूरी गांव का एक युवा है जिनका नाम अब्बास पुत्र दीनू, जो गत एक तारीख को, इस महीने की पहली तारीख को, अपनी बहन के वहां से अपने गांव वापस लौट रहे थे। लगभग 4 बजे की बात है, उन पर जानलेवा हमला होता है और कुछ हमलावर जो 2 गाड़ियों में आते हैं उन पर हमला करते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ राड और लाठी डंडों से वार किया जाता है, जिसमें अब्बास के दोनों पैर टूट चुके हैं और भी उन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं। तो असल बात यह है कि एक दिन में और सरे रहा रोड पर किसी व्यक्ति पर, निहत्ते आदमी पर हमला करना अपने आप में एक इंसानियत पर हमला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन हमलावरों को अब्बास जानते हैं और वो इसी गांव के बताए जा रहे हैं, लेकिन उन हमलावरों के साथ कुछ शातिर यानी कि अपराधी किस्म के कुछ बाहर के लोग भी बताए जा रहे हैं। हम इसी मामले की पूरी तफसील से अभी आपको रूबरू कराएंगे और हम बात करते हैं उन अब्बास भाई से जिन पर ये जानलेवा हमला हुआ है। और वो कहते हैं कि उन्होंने पुलिस में FIR भी दर्ज कराई है और अभी तक आधे महीने से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक हमारी एक तसल्ली बख्श कोई कार्रवाई कदम नहीं उठाया है और पुलिस सिर्फ हमें अभी तक आश्वासन ही दे रही है, और जबकि अपराधी खुले घूम रहे हैं। तो हम जानते हैं अब्बास भाई से आखिर उस दिन ये क्या हुआ था और क्या मामला था, और जिन लोगों ने आप पर हमला किया वो कौन कौन थे, आप उनमें से पहचानते हैं, आखिर ये पूरा मामला क्या है जी, बताएंगे आप? मैं अपनी बहन के ससुराल से आ रहा था, एक ग्रेजा गाड़ी थी और बड़े के पास पीछे और यह ताज होटल है जो, इसको क्रॉस करने के बाद में उन्होंने मेरे को यहाँ जमीन पे पटक के राड से मेरे दोनों पैर तोड़ दिए। अच्छा, वो जैसे गाड़ियों से आपके पास आए, आप मोटरसाइकिल पर सवार थे? हाँ, मैं बाइक तो सवार। आपकी मोटरसाइकिल को उन्होंने ओवरटेक कर रोका? हाँ, या फिर कैसे रोका? ओवरटेक करके रोका, ओवरटेक करके रोका, फिर उन्होंने लाठी डंडों से एक ही झटके में इतना वार किया कि दोनों पैर तोड़ दिए। मेरी जेब में लाइसेंस, मोबाइल और कुछ पैसे थे, वो सब ले गए वहाँ से। और फिर ऊपर से धमकी ये दी कि कोई अगर कार्रवाई करोगे तो फिर जान से जाओगे। अच्छा, आपके लिए धमकियाँ दी गई हैं कि अगर आपने कुछ भी कहा कार्रवाई की तो आपको जान से भी मार दिया जाएगा, इस तरीके से भी डराया धमकाया गया है। और जबकि नाजरीन आप देख रहे हैं इन भाई साहब के दोनों पैर टूटे हुए हैं, तो इस युवा अवस्था में दोनों पैरों का टूट जाना ये अपने आप में एक बड़ी दुखदायी बात है, क्योंकि यही एक वो उम्र होती है जिस उम्र में आदमी जिंदगी की बड़ी से बड़ी रुकावट को या बड़ी से बड़ी जिंदगी में आने वाली समस्याओं से लड़ पड़ता है। लेकिन इस उम्र में पैरों का टूट जाना एक घर की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। लेकिन हम अब्बास भाई से और आगे पूछते हैं तफसील से कि आप उनमें से किन किन को जानते हैं? इसमें से सभी को जानता हूँ मैं। तो इस हमले की वजह क्या है और वो कौन कौन थे? इस हमले की वजह तो मुझे अभी तक भी पता नहीं है। अच्छा, लेकिन उनके नाम ये है, एक तो है किफायत और एक वहाब सनो फजरू और एक है इखलाफ सनो फजरू। ये तीनों भाई हैं, एक कप्तान है जैकम और फिर एक जैकम खुद है और
एक रफसान है, एक ताहिर है और एक है चनैनी, चनैनी गांव का सरपू जिसका बाप का नाम सिद्दीक है। ये वैसे भी पीओ है, पुलिस का मुजरिम है। ये क्या कहते हैं इसको, सरपू और ये वहाब दोनों पीओ हैं ये कोर्ट से। अच्छा, पुलिस में जो आपने FIR दर्ज कराई है उसकी स्लिप या आपके पास है ना मेरे पास में, तो मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करता हूँ उसे नजदीक से दिखाएं। मेरा ये तो इन सभी के नाम है। अच्छा, सारे। और फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये FIR है, ये FIR है। इधर से भी खानी पड़ेगी नहीं, कोई नहीं है? तो अब आप क्या चाहते हो कि अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट नहीं हो, आखिर क्या चाहते हो आप? वैसे इंसाफ चाहते हो आप, लेकिन पुलिस से किस तरीका से, किस रवैये के साथ कार्रवाई कर रही है और उसे कहाँ तक उनके आप अभी तक उन्होंने कार्रवाई की है, कहाँ तक आप संतुष्ट हो? ये पहली तारीख का हादसा है, पहली तारीख से आज तारीख हो गई 17, अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं है। वो गांव में ही है। मेरी मांग ये है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, कानूनी कार्रवाई चाहिए मुझे पूरी। तो पुलिस से आपने बात की है या आपके घर के किसी सदस्य ने की है, तो उनका क्या कहना है कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पुलिस बोलती है कर लेंगे, छुट्टियां चल रही हैं, अभी छुट्टियों की वजह से पुलिस पूरी नहीं है, कर लेंगे। अब 17 दिन गुजर गए छुट्टियों में, छुट्टियों को बहाना पुलिस की कोई छुट्टी थोड़ी होती है। पुलिस का कहना है कि जैसा कि अब्बास भाई बता रहे हैं कि अभी छुट्टियां चल रही हैं, इसका मतलब यही है कि देश के अंदर चाहे अराजकता फैल जाए लेकिन पुलिस छुट्टी के नाम पर खुली अपराधियों के लिए छूट देने का इशारा कर रही है कि हमारी छुट्टियां चल रही हैं, आप खुले आम कत्ल करो, किसी पर भी हमला करो, चोरी करो, डकैती करो, हमारी छुट्टियां चल रही हैं। ये भी एक सवाल है, पुलिस की छुट्टी होती है वो थाने की छुट्टी नहीं होती। लेकिन ये पीओ का मुकदमा नंबर है इसका, जिस मुकदमे में ये वहाब पीओ है इसमें 2008 में ये मुकदमा है, 311 मुकदमा नंबर है जिसमें ये पीओ है, इसने अपहरण किया था। इनका काम यही है, अकेले आदमी का, अकेले आदमी को टारगेट करते हैं ये। इसमें इसने अखलीम पर का सरपंच उठाया था, असुरु सरपंच। इनका काम यही है, अकेले आदमी को दे। जो आपके हमलावरों में से जिनका आप नाम बता रहे हैं, ये पहले भी कुछ ऐसी वारदातें कर चुके हैं? हाँ, कर चुका है। जिसमें ये पीओ है ये, इसमें भी इसने अपहरण किया था अकेले आदमी का। ये असुरु सरपंच है, इसका अखलीमपुर का, इसको अपहरण किया था 2008 में, मुकदमा नंबर 311 है, इसमें ये पीओ है और फिर भी बाहर घूम रहा है, पुलिस की नाकामी है, जो पीओ होके बाहर घूम रहा है। ये दूसरी बार हम ही ग्रामीणों से और उनसे मिलाते हैं आपको, जो अब्बास के पड़ोसी हैं और जो इस वारदात के चश्मदीद तो नहीं है लेकिन वो कुछ वक्त के बाद में उस जगह पर पहुंच गए थे। अब से जो गंडूरी गांव के सरपंच हैं, आज फिर वो एक जिम्मेदार पद पर हैं, वो इस मामले के बारे में क्या कहते हैं और ऐसे कैसे हो सकता है, एक तो पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है और दूसरे एक गांव के आदमी पर एक हमला होता है, तो इसके बारे में सरपंच से हम उम्मीद लगाते हैं वो जरूर इसमें एक ऐसी राय रखेंगे, ऐसी बात उनकी निकल कर आएगी जिससे शायद प्रशासन पर कोई दबाव बने या फिर इंसाफ की तरफ इशारा करते। जी सरपंच साहब, आप क्या कहते हैं? जो इस लड़के के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, अफसोस है इसमें। लेकिन जो पुलिस है नहीं, इसमें जो किया नहीं गलत किया है। तो सरपंच का भी कहना है कि जो हुआ है अब्बास के साथ वो गलत हुआ है और पुलिस से हमें अभी उम्मीद है वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। गांव के हमलावर से ही जान पूछ के किया है और ये ऐसी वारदात करते रहते हैं। अच्छा, तो पुलिस कुछ नहीं कहती ऐसी वारदात? पुलिस ना भी कोई एक बार रेड ना मारी है, ना पुलिस स्टेशन कार रखे है और वो खुले घूम रहे हैं अपराधी। सभी
तो यहाँ पर काफी ग्रामीण बैठे हुए हैं, वो सभी इस अभी इंतजार में हैं और वो कहीं न कहीं इस बात से दुखी भी हैं पुलिस के उस लचर रवैये को लेकर, जिसके चलते अपराधियों के हौसले दिन पे दिन बुलंद होते जा रहे हैं और बजाय उनके गिरफ्तार करने के वो आए दिन उन्हें धमकियां भी देकर जा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम ये हालात देश के रहे तो जब पुलिस छुट्टियों का बहाना लगाती है और अपराधी खुले तौर पर बिना छुट्टियों के वारदात करते हैं, अपराधियों की कोई छुट्टी नहीं होती तो देश के अंदर अराजकता फैलेगी। तो इसलिए मेवात आज तक के माध्यम से ये पीड़ित पक्ष गुहार लगाता है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए ताकि हमारी शासन और प्रशासन में वो हमारा यकीन बना रहे। तो ऐसे ही ताजा तरीन और समाज से हित और समाज हित की सभी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मेवात आज तक।